हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम है शौर्य कौशिक। आज ये एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और भाई, जैसा कि आज आप सामने देख पा रहे हो फ्रेम में, आज है दो गाड़ियां, टाटा नेक्सॉन। और एक तरफ बात करते तो भाई, ये अपना है बेस वेरिएंट XE और ये है XMA ऑटोमेटिक। अब इसके वेरिएंट्स की बात करते हैं भाई। XE बेस वेरिएंट है, XE के बाद आता है XM, फिर आता है XMS, फिर XMA। तो वो जो गाड़ी खड़ी है ना उधर, वो खड़ी है XM, ठीक है। लेकिन जब XMS लग जाता है ना उसके साथ, तो S का मतलब है सनरूफ। अब ये है XMA, XMA में ऑटोमेटिक भी आ जाएगी और आपको सनरूफ देखने को भी मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मोटे मोटे डिफरेंस की, क्या कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले अगर भाई कोई इंसान गाड़ी खरीदने जाता है ना, तो क्या पूछता है भाई वो? प्राइस, ठीक है। प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस इसका पड़ेगा आपको 8,70,000 रुपये गुड़गांव में ऑन रोड। और इसकी बात करते हैं तो 10.5 लाख का पड़ेगा, 10,55,000 समथिंग ऐसा पड़ेगा। तो मोटा मोटा अगर डिफरेंस की बात करें, 1,70,000 का डिफरेंस है। आज देखते हैं 1,70,000 के डिफरेंस में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। क्या चीज़ आपको इस गाड़ी से इसमें ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। अगर हम फ्रंट से शुरुआत करते हैं ना, तो भाई सबसे पहले अगर लाइट्स की बात करूँ ना, तो आपको लाइट्स का जो सेटअप है ना, वो पूरा का पूरा ही सेम मिलेगा। ये देखो, आपको प्रोजेक्टर मिल जाएंगे येलो बल्ब के साथ, और आपको DRL भी मिल जाएंगी छोटी सी इधर। फोग लैंप आपको नहीं मिलेंगे इसके अंदर, इंडिकेटर नीचे मिल जाएंगे। फ्रंट से भाई गाड़ी पूरी सेम है, और इधर इसकी बात करूँ ना तो ये भी पूरी सेम है। इसमें भी आपको कोई खास डिफरेंस नहीं मिलेगा भाई, आपको सेम लाइट्स मिल जाएंगी, देख सकते हो। हेडलाइट सेटअप पूरा सेम है, फ्रंट से पूरी सेम है गाड़ी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप अगर खुद देखते हो तो कोई डिफरेंस आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर ऊपर की बात करें छत की, देखो भाई ये थोड़ी गंजी गंजी सी लग रही है, और इसके अंदर आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं, तो आपको रूफ रेल्स तो भाई एक्स्ट्रा मिलेंगी ही। इसमें आपको बेस वेरिएंट तो रूफ रेल्स नहीं मिलती। अगर आप टायर प्रोफाइल की बात करते हैं ना, तो देखो टायर प्रोफाइल भाई दोनों की ही सेम है मेरे हिसाब से, तो 195/60R16 के मिल जाते हैं। फ़र्क इतना आ जाता है, ये आपको स्टील रिम्स मिलते हैं, ये आपको ब्लैक स्टील रिम्स मिलते हैं, साथ में आपको व्हील कवर्स भी मिल जाते हैं टाटा के ओरिजिनल, ठीक है। और साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो ORVMs पर आपको इंडिकेटर दोनों में देखने को मिल जाते हैं, ये आपको बॉडी कलर नहीं मिलते, यही आपको सेम है, ये मटेरियल भी सेम है, तो ये चीज़ सेम है। ना ही आपको कोई भाई डोर वाइजर वगैरह देखने को मिलते, या फिर आपको विंडो गार्निश आपको वो क्रोम वाली मिलती, कुछ नहीं मिलता। बस एक सनरूफ ऐड हो गई है भाई, और एक रूफ रेल्स ऐड हो गई है फ्रंट से, तो और बाकी सारा सेम है। टायर की मैंने बता दी, टायर में एक डिफरेंस आ गया, वो आपको बेसिक सा ही भाई, ये डिफरेंस आएगा आएगा। और की बात करते हैं ना, तो अगर आपने इसकी वीडियो देखी है ना XE की, चैनल पे पड़ी हुई है, अभी डाली थी इससे रिसेंट वाली वीडियो, तो अगर नहीं देखी तो आई बटन में जाके आप देख सकते हो, लेकिन पहले इस वीडियो को देखना। उसमें जो उसकी की थी वो सिंपल सी की थी, बेसिक दो की मिलती है टाटा का लोगो। लेकिन इस की बात करें तो इसमें आपको कुछ ऐसी की मिल जाती है देखने को, ये देख सकते हो टाटा का लोगो मिल जाता है, और ऐसी रिमोट, ये अपना फॉलो मी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। देखो लाइट ऐसी चलेंगी इसकी, ये देखो ये इसकी लाइट्स है। तो DRL मिल जाती है यार आपको बेस वेरिएंट से, काफ़ी अच्छी बात है ये, ठीक है। तो लाइट्स को बंद कर देते हैं, लॉक अनलॉक मिल जाता है, फ्लिप की मिल जाती है, तो ऐसा ये कुछ है। अब इसकी अगर बैक से बात करते हैं ना, बैक में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं भाई, पूरी सेम ही है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं। अगर बैक प्रोफाइल की बात करते हैं तो भाई देखो, ये XMA है, तो क्या आपको डिफरेंस लग रहा है? ये देखो ये और ये एंटीना मिसिंग है, यहाँ पर आपको शार्प फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। स्पॉइलर भाई दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा आपको, डिफोगर वगैरह आपको नहीं मिलता, ना ही आपको रियर वाइपर मिलता। टाटा का लोगो सेम, पूरी सेम है, पीछे से पूरी सेम है गाड़ी। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर, इसमें भी ना कोई कैमरा, यहाँ पर भी कोई कैमरा नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल देखो गाड़ी की बात करूँ ना भाई, सेम है। डोर हैंडल्स की बात करूँ, ये आपको ब्लैक मिल जाते हैं, इसमें भी आपको ब्लैक मिल जाते हैं। तो ओवरऑल जो बाहर से है ना, वो पूरी सेम है। जो फ़र्क मैंने आपको बता दिया, टायर का फ़र्क है मोटा मोटा, रूफ सनरूफ ऐड होगी, सनरूफ के पैसे हैं एक, तो एक इसमें ऑटोमेटिक के पैसे हैं, क्योंकि आपको जो बेस वेरिएंट है वो आपको सिर्फ मैनुअल में ही मिलता है, ये आपको ऑटोमेटिक मिल गई, सनरूफ मिल गई, रूफ रेल्स मिल गए, टायर में फ़र्क आ गया भाई, ब्लैक करके दे दी, ये दे दिए, लाइट वाइट सब सेम है। अब बात करते हैं इंटीरियर की, सबसे पहले आपको इंटीरियर दिखाता हूँ बेस वेरिएंट का। बेस वेरिएंट के इंटीरियर की बात करेंगे ना, तो इसमें आपको क्या चीज़ नहीं मिल रही, तो आपको भाई स्टीरियो नहीं मिल रहा, स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स नहीं मिल रहे, बाकी तो भाई गाड़ी एक नंबर लग रही है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, काफ़ी अच्छी है भाई गाड़ी इंटीरियर वाइज, में बात बहुत ज़्यादा मतलब इंप्रेस हुआ हूँ कि 8,70,000 में आपको ऐसा इंटीरियर मिल रहा है। मोड वगैरह मिल जाते देखने को, मतलब इसमें सारी चीज़ें यार, बेसिक तो सारी चीज़ है ही। स्टीरियो भाई आपको लगवाना पड़ेगा क्योंकि बेस वेरिएंट है, क्या ही आप उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। और सिटिंग का भाई, जो मैंने सिटिंग का स्पेस वो तो सेम ही मिला है, गाड़ी थोड़ा चेंज हुई है, मॉडल तो चेंज हुआ है वेरियंट, ठीक है। अब एक बार ऑटोमेटिक की बात करते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक का मेरे को दिखाना ज़रूरी है, तो ऑटोमेटिक में भाई सबसे पहले ऑटोमेटिक का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे बेस वेरिएंट का पता है तो मैं इसका आसानी से बता पाऊँगा।
वहाँ पर आपको दो पावर विंडो मिलती है, यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो मिल जाती है, और बाकी यहाँ पर पूरा ही सेम है, पूरा सेम स्पीकर इसमें भी नहीं है। ठीक है, अब चलते एक बार अंदर। अरे यार ये लंबी हाइट का भी नुकसान है भाई, जूते फंस जाते हैं क्लच में, पीछे करो अब सीट। ठीक है तो भैया गुटका कोई बात नहीं, खाने दो, सबकी अपनी ज़िंदगी है भाई। क्या मतलब वो ज़िंदगी ऐसी है कि उससे ज़िंदगी कम हो रही है, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपकी बात करो भाई, मोटे मोटे की का डिफरेंस तो आ ही गया। ठीक है, स्टीरियो स्टीरियो अरे मिल जाता है इसमें भाई। क्या चल गया भाई, पीछे आवाज़ आ रही है बहुत बुरी वाली, जनरेटर चल गया। तो मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको भाई क्लियर कम से कम। तो इधर आपको की को लगाता हूँ ना घर में भाई, ये सेम है, ये बिल्कुल सेम है। बस अच्छी बात है, बेस यूनिट में भी भाई आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, ये तो सेम है, इसको बंद कर देता हूँ। स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स हो गए, चार पावर विंडो होगी, और आपको ये मिल जाता है, क्या बोलते हैं, स्टीरियो मिल जाता है, छोटा सा स्टीरियो। ये आपको चेंज कराना पड़ेगा क्योंकि आज के ज़माने में आप इससे काम चलाओगे तो आप वो कहलाओगे, क्या कहते हैं, अलग कहलाओगे तुम। इधर की बात करते हैं भाई, स्पोर्ट्स इको, यही आपको मोड ऑटोमेटिक मिल जाती है, ऑटोमेटिक भाई मस्त है, RNA मैनुअल। ठीक है, हैंड ब्रेक वैसा, ये पूरा सेम, पूरा सेम पियानो फिनिश, ये सब कुछ AC-WC का सेम है बिल्कुल। यहाँ पर आपको इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं पूरे, और AC वेंट्स मिल जाते हैं, ग्लव बॉक्स भी पूरा सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और पूरा सेम है भाई, बिल्कुल सेम। ऊपर आपको सनरूफ मिल गई भाई, ये देखो, ये सनरूफ खोलते हैं, ये देखो ये सनरूफ मिल गई, सनरूफ के मजे है भाई, कुछ भी कहो, यूँ करके अगर वीडियो बनाओ, मतलब आप वीडियो वगैरह बना सकते हो तो आप मस्त आओगे वीडियो में। तो ये चीज़ यहाँ पर वाइट लाइट, ये देखो वाइट लाइट मिल जाती है। ठीक है, इसको बंद करते हैं, और पीछे की तरफ भाई स्पेस वगैरह सेम है, मैंने बता दिया, गाड़ी तो ना चेंज हुई यार, स्ट्रक्चर तो सेम ही है। तो ये चीज़ें हैं, स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, ट्विटर मिल जाते हैं। तो इसमें क्या मोटा मोटा आपको डिफरेंस मिला तो मैं बताता हूँ, देखो इसका अगर उसकी बात करते हैं ना, रेट की बात करते हैं, तो रेट में क्या फ़र्क है, वो है 870,000, 873,000 की है, और ये है 10.5 लाख, तो मोटा मोटा 170,000 का डिफरेंस है, 170। ठीक है, आप 1.5 लाख मान लो, 170 मान लो, 170 का मानते हैं। तो फ्रंट में बाहर से क्या आपको चेंज मिला, बाहर से आपको चेंज मिला टायर्स में फ़र्क है, टायर में मतलब आपको स्टील रिम्स ब्लैक वो दे दी, उसके बाद हेडलाइट सेटअप सेम है, ऊपर आपको सनरूफ आ गई, रूफ रेल्स आ गई, पीछे की तरफ भी रियर भी पूरा सेम है, कोई वैसी बात नहीं है उसमें। ठीक है, इंटीरियर की बात करते हैं, तो भाई आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स सबसे बड़ा, तो पैसे है ना, तो 1,70,000 की सनरूफ के हैं, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के हैं, स्पीकर सिस्टम के हैं, स्पीकर सिस्टम भाई बहुत अच्छा है, मतलब आपको पता होगा टाटा के काफ़ी अच्छे हैं, ये हरमन का तो नहीं है लेकिन फिर भी स्पीकर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और क्या है इसमें और डिफरेंस क्या है, सनरूफ होगी, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होगा, स्पीकर्स होंगे, बस यही मोटा डिफरेंस है 1,70,000 का। इससे नीचे भी एक वेरिएंट आता है XM S, ये सामने जो खड़ी है ना ये XM है, S नहीं है, S का मतलब सनरूफ, तो ये XM है, ऐसे आती है XE बेस, XM, XMS, XMA, उसके बाद तो XZA, XZ प्लस, कुछ कुछ इनके चल रहे हैं, जेट एडिशन, कुछ भी, मतलब आजकल टाटा एडिशन के साथ खेल रहा है, कुछ नई गाड़ी लॉन्च करनी चाहिए यार, मजा आएगा, नई गाड़ी लाओ, मस्त बना रही है टाटा गाड़ियाँ। ठीक है, तो इंटीरियर वाइज तो भाई काफ़ी मेरे को पसंद आती है इन गाड़ियाँ, तो ये कुछ डिफरेंस है भाई। अगर आपको भाई किसी भी टाटा की गाड़ी से, आपको टाटा की गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई आप आर्या टाटा विजिट कर सकते हैं ज़रूर, देखो टाटा मोटर्स आर्या सेक्टर 14 में पड़ेगा आपको ये। ठीक है, तो उसका जो नंबर है वो यहाँ पर लिंक कर रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, आप विजिट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है ये डीलरशिप। और यही थी कुछ आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक और चीज़ भाई मेरे को याद आ गई, ये ORVM आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, उसमें नहीं था ऐसा कुछ, उसमें आपको वो मिलती है टुंडकनी सी, नहीं होती वो टुंडकनी सी, यू घुमा उमा सकते हो, वो चीज़ मिलती है। तो यही थी कुछ आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ। अब भाई जनरेटर भी बंद कर दिया, जब तक वीडियो बन रही जब तक जनरेटर ऑन था बंद कर दिया, चलो कोई बात नहीं भाई, मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टाटा टेक केयर।